रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 13,060 पर कारोबार कर रहा है, 13,235 का ही लगा चुका है, 2.25% की तेजी है। और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,813 पर है और 6,891 का ही लगा चुका है, 1% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि जो ग्वार गम है 13,000 का लेवल आज टच कर चुका है, आपने कहा था कि 12,000 के भी पार जाता हुआ नजर आएगा, आज आपका 13,000 का लेवल अचीव हो गया है। और ग्वार सीड में भी देख रहे हैं कि 6,800 का लेवल एक बार फिर से अचीव होता हुआ नजर आ गया और 6,900 के करीब है। रूपा जी दोनों ही लेवल आपके ग्वार कॉम्प्लेक्स में अचीव हो गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है यहाँ से ये रैली और एक्सटेंड होगी या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है? देखिए अभी ग्वार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग छुटमुट आई तो आ सकती है, लेकिन मुझे काफी कम गिरावट इसमें अब दिखती है। मुझे लगता है कि अभी ग्वार जो है ऊपर में 15,000 का स्तर छू सकता है, वहीं सीट की बात करें तो 7,000 का स्तर अभी फिलहाल हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि टच हो सकता है। एक अच्छी खासी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो ये अभी और बढ़ सकती है। अगर देखिए गिरावट भी आई तो 3-4% के सर्किट भी हमें नीचे के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार बाइंग की तरफ है लेकिन ट्रेंड वहीं पॉजिटिव भी है। ऊपरी स्तर पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो नीचे में 4-4% बाजार लुढ़क भी सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निचले स्तर पर बाइंग की रणनीति रहनी चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि 15,000 तक ग्वार गम और ग्वार सीड जो है वो 7,000 तक ऊपर जा सकती है जी।